बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब महज एक हफ्ता रह गया है। चुनाव में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने अपनी एक रैली में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के पास रोजगार देने की इच्छा शक्ति नहीं है। राजद नेता सीएम नीतीश के 15 साल के कार्यकाल को लेकर घेराबंदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4.5 लाख नौकरियों के पद रिक्त हैं और 5.5 लाख नौकरियां वो हैं जो राष्ट्रीय औसत पे हैं। हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। गया में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार बेरोजगारी का केंद्र है, हम एक मौका चाहते हैं। अगर हमारी सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने तो एक साथ 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में लगातार कोरोना, रोजगार, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं। राजद नेता का आरोप है कि अपने लंबे कार्यकाल में नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बिहार की जनता को फायदा हो। सोमवार को तेजस्वी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि बिहार इस बार अच्छी शिक्षा, उत्कृष्ट स्वास्थ्य, प्रभावशाली विधि स्वास्थ्य, चहुमुखी विकास, महिला सशक्तिकरण, नौकरी और रोजगार के लिए मतदान करेगा। इसके अलावा राजद नेता तेजस्वी यादव लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को भी रिझाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चिराग पासवान का समर्थन करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने लोजपा प्रमुख के साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ जो किया वो गलत है। चिराग को अपने पिता की पहले से कहीं अधिक जरूरत है। रामविलास पासवान जी हमारे साथ नहीं है और हमें इस बात का दुख है। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ अन्याय किया है। राजद नेता ने सीएम नीतीश को पलटू राम बताया और उन्हें उनके 15 साल के कार्यकाल पर बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं नीतीश कुमार से अनुरोध करूंगा कि पिछले 15 वर्षों में उनकी किसी भी उपलब्धि पर बहस करें। हमें एक नई बहस शुरू करनी चाहिए, एक मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की बहस होनी चाहिए। नीतीश जी को मेरी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि जिन लोगों को उन्होंने बोलना सिखाया है उनको बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा, किस तरह से बातचीत की जाती है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब हम लोगों ने सिखाया। और फिर किस तरह से बातचीत की जाती है, भाषा का भी, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब सिखाया हम लोगों ने। और कितने लोगों को इसका फायदा हुआ। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान है और दूसरे और तीसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और 7 नवंबर को होगा। नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़।